तो दोस्तों, आज के समय में जॉब करना तो हर कोई चाहता है। अगर आपको जॉब में वर्कलोड काफी कम हो और सैलरी बहुत अच्छी हो तो क्या ही कहना। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आने वाले समय में टॉप 5 ऐसी हाईएस्ट पेइंग जॉब्स जो कि इंडिया में होने वाली हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोस को आगे देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में जो पांचवें नंबर की कंपनी है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो आज के समय में इन्वेस्टमेंट बैंकर एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है अगर आप चाहते हैं आपकी सैलरी काफी अच्छी हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर में आपकी सैलरी होती है 10 to 25 lakhs पर एनम। मतलब आप समझ सकते हैं, अगर आपकी सैलरी एक साल में 10 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में हो तो कितनी अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट बैंकर में आपकी सैलरी डिपेंड करती है कि आप किस इंस्टीट्यूट से पास आउट हो चुके हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर की जॉब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है अगर आप चाहते हैं आने वाले समय में एक हाई अमाउंट सैलरी पर जॉब करना। तो हमारे लिस्ट में जो चौथी नंबर की जॉब है उसका नाम है चार्टर्ड अकाउंट यानी CA, जो कि कॉमर्स साइड की सबसे बड़ी जॉब होती है। चार्टर्ड अकाउंट की खास बात यह है कि इसमें एवरेज सैलरी आपको मिलती है लगभग 6 लाख पर एनम अगर आप एक फ्रेशर हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको उस चार्टर्ड अकाउंट में 6 लाख रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। अगर आपका सिलेक्शन प्लेसमेंट ड्राइव्स के दौरान होता है तो आपकी ये अमाउंट 8 लाख तक हो सकती है पर एनम, और ये जो फिगर आउट है ये आपको 30 लाख तक भी मिल सकता है अगर आप एक साल इस एरिया में जॉब करें तो। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि चार्टर्ड अकाउंट आने वाले टाइम में कितना बड़ा रोल प्रोवाइड करेगी। अगर आप चाहते हैं एक हाई अमाउंट सैलरी पर जॉब करना तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। इसमें आपको चाहिए मोर देन 1 आवर एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, जिससे आप कमा सकते हैं अप टू 30 lakhs rupees पर एनम। तो हम अपने लिस्ट के तीसरे नंबर की जॉब्स के बारे में बताना चाहेंगे। ये बेसिकली एक है सिविल सर्विस ऑफिसर। मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि IAS PCS टाइप के जॉब की सैलरी कितनी अच्छी होती है। एक जूनियर सिविल सर्वेंट की जॉब होती है 50,000 से लेकर 1.5 लाख पर मंथ, जिसमें आपको ग्रेड पे स्टैंड्स अलग से मिलता है जो कि 15,000 से लेकर 90,000 के बीच में हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं एक नॉर्मल जूनियर सिविल सर्वेंट की जॉब कितनी हो सकती है, जिसमें हमने वेरिएबल एंड एडिशनल पार्ट्स को इंक्लूड नहीं किया है। मतलब इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करने के बाद एक सिविल सर्विस ऑफिसर की सैलरी कितनी ज़्यादा हो सकती है आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट एरिया में जॉब करना, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना विद हाईएस्ट सैलरी, तो यह है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन आने वाले समय में। तो हम बात कर लेते हैं अपने लिस्ट की सेकंड नंबर की जॉब, जो कि बेसिकली डॉक्टर की पोस्ट की जॉब है। एक नॉर्मल MBBS फ्रेशर डॉक्टर भी मिनिमम 60,000 रुपए पर महीने का कमा लेता है, जो कि अगर आप NM में कैलकुलेट करें तो 7 lakh रुपीज हो जाता है इन ए ईयर, अगर वो डॉक्टर रूरल एरिया में काम करता हो। मतलब कि अगर कोई नॉर्मल डॉक्टर भी MBBS का है जो कि एक गांव एरिया में काम करता हो, एक रूरल एरिया में काम करता हो, तो उसकी भी सैलरी एटलीस्ट 7 lakh पर एनम हो सकती है। अगर वही डॉक्टर एक अर्बन एरिया में काम करे, जैसे कि दिल्ली NCR टाइप रीजन में अगर वो काम करता है, तो ये जो फिगर आउट है वो एटलीस्ट 1 lakh पर मंथ हो सकता है। अगर हम बात करें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की, जैसे कि आर्थोपेडिक सर्जन्स, कार्डियोलॉजिस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, इनमें उनकी सैलरी होती है मोर देन 18 lakhs पर ईयर। मतलब कि आप समझ सकते हैं, अगर आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो आपकी सैलरी हो सकती है 18 lakh से भी अधिक आने वाले टाइम में। तो आपके लिए ये जो जॉब है ये काफ़ी बेस्ट जॉब हो सकती है अगर आप चाहते हैं एक हाई पेमेंट पर जॉब करना। तो हमारे लिस्ट की जो टॉप नंबर की जॉब है बेसिकली वो जॉब है सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोस्ट की, जिसके लिए आपको BE या BTech या फिर कोई भी बैचलर डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइड में। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। आज की वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें कि सेकेंड नंबर पर आता है डेटा साइंटिस्ट का पोस्ट। डेटा साइंटिस्ट का पोस्ट में अगर आप इनिशियली ज्वाइन भी करते हैं तो भी सैलरी आपकी एटलीस्ट 11 टू
12 लाख पर ईयर होती है, जिसमें आपकी सैलरी आपके नॉलेज पर डिपेंड करती है। अगर आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है डेटा साइंटिस्ट के फील्ड में, तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो हमारे लिस्ट की जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में नंबर वन पोस्ट की जॉब है, वो है फुल स्टैक डेवलपर। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम में इंटरनेट यूज करना हर कोई चाहता है। इंटरनेट यूज करते समय आप वेबसाइट्स का एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जिसको डिजाइन किया जाता है एज ए फुल स्टैक डेवलपर के द्वारा। तो जो फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी होती है, वो होती है 3 लाख से 10 लाख के बीच में, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो। मतलब आप समझ सकते हैं, अगर आप एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और फुल स्टैक डेवलपर के पोस्ट पर जाना चाहते हैं, तो आप स्टार्टिंग में भी 3 से 10 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है एटलीस्ट मिनिमम 3 ईयर का, तो भी आप 10 लाख से लेकर 30 लाख रुपीस पर ईयर कमा सकते हैं। तो आई होप समझ सकते होंगे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो ट्रेंड है वो आने वाले समय में कितना छाने वाला है। तो ये थे कुछ टॉप 5 ऐसी हाईएस्ट पेइंग जॉब जो कि आने वाले समय में होने वाली है। तो अगर आप भी आने वाले टाइम में इस तरह के जॉब को करना चाहते हैं, तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में पता लग सके कि आने वाले टाइम में टॉप 5 ऐसी कौन सी हाईएस्ट पेइंग जॉब हो सकती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।